गाजा में इजराइल की क्रूरता को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध हुआ। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से लेकर यमन तक में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। यहां तक कि सैन्य हथियार से लेकर हर तरह से इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने भी उससे गाजा में क्रूरता बंद करने के लिए कहा, लेकिन इजराइल ने सभी विरोधों और चेतावनियों पर अपनी आंख और कान बंद कर लिए और क्रूरता जारी रखी। अब इजराइल की मनमानी उसे भारी पड़ने लगी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी एक अदालती फैसला जारी कर इजराइल को गाजा के राफा में अपनी आक्रामकता बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद भी इसराइल ने फिलिस्तीनी लोगों पर हमला जारी रखा। अदालती फैसले के बाद भी इजरायली सैनिकों ने गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा पर बमबारी तेज कर दी है। अब फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अल कसम ब्रिगेड फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के अल कुछ ब्रिगेड के लड़ाके कई मोर्चों पर इसराइली सैनिकों को जवाब दे रहे हैं। शुक्रवार को अल कसम के लड़ाकों ने कुल 10 इजरायली टैंकों और 3 सैन्य ग्रेड D9 बुलडोजरों को निशाना बनाया है। लड़ाकों की सैन्य मीडिया इकाई ने घोषणा की कि उनके लड़ाकों ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अल आरामजा स्ट्रीट में 2 इजरायली मरकवा 4 टैंकों पर रॉकेट लॉन्च किए। ये रॉकेट स्थानीय रूप से निर्मित अल यासिन टेंडेम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड थे। इन लड़ाकों ने इजरायली सेना का ध्यान एक दूसरे टारगेट पर आकर्षित करने के बाद उस सुरंग के प्रवेश द्वार में विस्फोट कर दिया जिसमें इजरायली सैनिक थे। विस्फोट के बाद अल कसम सेनानियों ने इजरायल की तरफ से लड़ रहे अन्य सेनानियों और इजरायली सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। अल कसम के स्नाइपर्स की एक टीम ने उत्तरी जबालिया में एक घर में तैनात एक इजरायली सैनिक को मार गिराया था। लड़ाकों की मिलिट्री मीडिया यूनिट ने कहा कि लड़ाकों ने जबालिया शरणार्थी शिविर के उत्तरी हिस्से में शाबाद चार्ज के साथ एक और इजरायली मरकवा 4 टैंक को निशाना बनाया। इसके अलावा उत्तर में बेत लाहिया में शहर की तरफ बढ़ रहे 2 इजरायली सैनिकों को भी अल कसम लड़ाकों ने मार गिराया। ब्रिगेड के लड़ाकों ने सलाह अल दीन गेट पर भी इजरायली बुलडोजर और टैंक को निशाना बनाया। आपको बता दें कि सलाह अल दीन गेट फिलिस्तीनी मिस्र सीमा पर स्थित है और मुख्य रूप से व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सेकेंडरी क्रॉसिंग है। यह मिस्र को गाजा की मुख्य सड़क सलाह अल दीन स्ट्रीट से जोड़ता है जो सबसे दक्षिणी शहर राफा से लेकर सबसे उत्तरी शहर बेत हनान तक फैली हुई है। यदि इसराइल के खिलाफ हमास और फिलिस्तीन समर्थक लड़ाकों के हमले इसी तेजी के साथ जारी रहे तो जल्द ही इसराइल की हालत खराब हो जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि कहीं इसराइल को पिछड़ता देख अमेरिका अपनी बातों से पलट न जाए, वो फिर से इसराइल को पहले की तरह समर्थन देना शुरू न कर दे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने खुले शब्दों में कहा था कि यदि इसराइल गाजा में हमले नहीं रोकता तो वो इसराइल को समर्थन देना बंद कर देगा। हालांकि अमेरिका की इस चेतावनी पर इसराइल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया था कि अमेरिका को समर्थन देना बंद करना है तो बंद कर दे, लेकिन हम हमास को खत्म करने से पहले युद्ध नहीं खत्म करेंगे। अब ये देखना काफी अहम होगा कि फिलहाल के हालात में अमेरिका का रुख क्या रहता है। According to the credible information that we have gathered.